साथियों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो साथियों आज हमारे घर पर है सत्यनारायण भगवान जी की कथा, जिसमें आज हम अपने घर पर करने वाले हैं पूजन सत्यनारायण भगवान जी का। तो साथियों आप भी हमारे साथ मिलकर धर्म लाभ कमाएं और सत्यनारायण जी की कथा में पूरी कथा सुने। तो साथियों हमारे साथ बने रहें, चलते हैं सत्यनारायण जी की कथा जहाँ पर हो रही है। शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः अक्षतम युष्मं धूमं पुनर्भ्यामि नमो नमः। नम नमो नमः नमः सोमवाय के मनोहाजुरोत समृदाम शिवम करोतु कल्याणम यशसाम। ओम नमः शिवाय। शौनकादि एकादशी ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु इस कलयुग में वेद और विद्या से रहित मनुष्य को भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मनुष्य को यह तो तब कहिएगा कि जिसके थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो मनोवांछित फल मिले वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। आदि मध्य अंत नहीं है, इसका तात्पर्य है कब से सृष्टि भगवान का नाम ले रही है कब तक लेगी इसका कोई आधार नहीं। कहते हैं निर्गुण स्वरूप, निर्गुण का मतलब जानते ही हुआ उनका कोई रूप आकार नहीं है, परमात्मा है। निर्गुण स्वरूप कोई आकृति नहीं है, देख करके कि भगवान आपका कोई भी वैसे का कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा तथा अस्तु ऐसा ही हो और कह करके शिवाय ओम नमः शिवाय।